वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो इससे पहले वी शुड नो व्हाट इज मोमेंटम। सो मोमेंटम क्या है? दैट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या मतलब है इस लाइन का? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बॉडी ली है और इसका मास है m और ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो अगर हमें इसका कंबाइंड इफेक्ट मेजर करना है तो वो हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ p, एंड दिस p इज कॉल्ड मोमेंटम, विच इज द लीनियर मोमेंटम इन दिस केस, क्योंकि ये बॉडी लीनियरली ट्रेवल कर रही है। सो दिस मोमेंटम इज m इंटू v, विच इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि वट इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द फार्मूला इटसेल्फ। मोमेंटम हमें पता है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। अब मास की SI यूनिट क्या होती है? kg, एंड वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। सो SI यूनिट क्या होगी मोमेंटम की? kg मीटर पर सेकेंड। एंड सिमिलरली हम cgs यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। cgs मीन्स, c मीन्स सेंटीमीटर, g मीन्स ग्राम, s मीन्स सेकेंड। तो यानी कि kg में हम ग्राम लिखें, मीटर में सेंटीमीटर, एंड सेकेंड रिमेन्स सेकेंड। सो cgs यूनिट क्या रहेगी? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि इज मोमेंटम अ स्केलर और वेक्टर? एज वी नो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। और बच्चों ये ध्यान रखना, जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो हम वेक्टर साइन इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमें ये पता है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। सो अगर वेलोसिटी वेक्टर है, किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा? वेक्टर। दैट मींस मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। अगर हम पी इज इक्वल टू एम वी लिखते हैं तो इसमें पहला ग्राफ क्या बन सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पी और एम के बीच में ग्राफ देखें, पी और एम, इसका मतलब वी हमने क्या रखा है? कॉन्स्टेंट। इसका मतलब पी इज प्रोपोर्शनल टू एम, यानी ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली अगर हमें कहते हैं कि मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ देखो, सो मास हमने क्या रखा हुआ है? कॉन्स्टेंट, यानी पी इज प्रोपोर्शनल टू वी। अगेन ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। और एक और ग्राफ कैसा बन सकता है? मास एंड वेलोसिटी के बीच में। कब? अगर हमने पी क्या रखा हुआ है? कॉन्स्टेंट, यानी मोर इज द मास, लेसर इज द वेलोसिटी। तो ग्राफ कैसा बनेगा? लाइक दिस। अब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझने के लिए, कि रिलेशन क्या है फोर्स और मोमेंटम के बीच में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो रेट हम यहां पे क्या ले रहे हैं? डेल्टा टी। चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा पी, डेल्टा इज फॉर चेंज। सो दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी को हम यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब एप्लीकेबल है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है जो कि एकदम आइसोलेट हो, यानी कि जिस पर नेट फोर्स क्या लग रही हो? जीरो। तो अगर ये फोर्स, नेट फोर्स जीरो के इक्वल है, और अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करें, विच इज द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, सो वी कैन राइट द एक्सटर्नल फोर्स एज जीरो, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज जीरो, यानी चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। यानी कि चेंज का मतलब क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू जीरो। इसमें एक चीज याद रखना कि क्लास 11th में हम ये वेक्टर साइन यूज करते हैं, 9th क्लास के लिए आप सिंपली पीएफ माइनस पीआई विदाउट वेक्टर साइन लिख सकते हैं। सो इसका मतलब अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें कि समीशन ऑफ द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू समीशन ऑफ इनिशियल मोमेंटम, तो यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा? द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। सो दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी को समझने के लिए लेट्स डू वन न्यूमेरिकल। लेट्स सपोज अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 1 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन।
क्या मतलब कि मान लीजिए एक गन ने एक बुलेट फायर की और बुलेट किधर जा रही है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो गन कहां जाएगी, टुवर्ड्स राइट एक्स एक्सिस। तो रिकॉल वेलोसिटी क्या होती है, जिस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ जा रही है। हमें अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, मास ऑफ बुलेट इज 10 ग्राम जिसे हम केजी में बाद में कन्वर्ट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 100 मीटर पर सेकंड, मास ऑफ गन इज 1 kg और वेलोसिटी ऑफ गन हमें निकालनी है। नाउ सम ऑफ मोमेंटम बिफोर फायरिंग, अगर आप फायरिंग नहीं कर रहे यानी बुलेट कहां रखी हुई है आपने, गन के अंदर, यानी कि गन और बुलेट दोनों ही क्या है, रेस्ट पे, यानी सम ऑफ मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या होगा, 0। सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या लेंगे, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग विच इज 0 इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग विच इज एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी, बी फॉर बुलेट जी फॉर गन। अब मास ऑफ बुलेट कितना था, 10 ग्राम विच इज 10/1000, दिस इज इन केजी। वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 100 प्लस मास ऑफ गन इज 1 kg एंड वेलोसिटी ऑफ गन वी हैव टू फाइंड। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस vg इज कमिंग 0, यानी वेलोसिटी ऑफ गन क्या आ जाएगी, -1 meter per second। लेकिन हमसे पूछा क्या हुआ है, रिकॉयल वेलोसिटी, और रिकॉयल वेलोसिटी क्या होती है, -vg। सो माइनस वेलोसिटी ऑफ गन क्या आ गई, 1 meter per second विच इज माई रिकॉयल वेलोसिटी। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।